थे तो वहाँ पे पेड़ गिरे हुए हैं इतने बड़े बड़े, और रोड हो गया ब्लॉक। तो जिप्ता जी को उठा दिया है और बस अब जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। फिर से एक और लैंडस्लाइड, ये देखो। सबसे भारी देवता है और सबसे पावरफुल देवता है माने जाते हैं शोली देवता के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिने तरुण ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज एक वीडियो लेके मैं आपके बीच आया हूँ। तो वो वीडियो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, जब देवता जी पुनन में आए थे वो वीडियो तब की है। और उस टाइम मौसम भी ख़राब था, बहुत बारिश हुई थी, रोड भी ब्लॉक बंद थे, तो किसी कारण वो वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए। तो आज हम उस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और आज हम जा रहे हैं पुनन से लौटी। तो लौटी देवता जी को लेके जाएंगे। तो मौसम बहुत ख़राब था, रोड सारे बंद थे, बहुत ही मुश्किल से हमने देवता जी को लौटी ले गया था पुनन से। तो आज उसी की वीडियो है, होप करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगेगी। तो आप इस वीडियो में बने रहे, और जो भी इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक देवता जी के लिए लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। और आप वीडियो को देखें और मज़ा लीजिए इस वीडियो का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिनु तरुण ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज एक नई वीडियो लेके आपके बीच में आया हूँ। तो आज मैं और ये पवन भाई है, तो दोनों हम आज जा रहे हैं पुनन, क्योंकि पुनन में पिछले कुछ दिनों से, लगभग 3-4-5 दिनों से शोली देवता वहाँ पर आ रखे हैं। तो आज शोली देवता जा रहे हैं लौटी को। तो ये हमारे गांव की और हमारे जो टबर है, हमारी फैमिली है, उनकी टर्न है यहाँ से पुनन से लौटी ले जाने के लिए देवते को। तो यहाँ से पवन भाई और मैं जा रहे हैं, और पार हमारे फैमिली वाले हमारा वेट कर रहे हैं। तो बस हम निकल रहे हैं पुनन को, मैं और मेरे साथ है पवन भाई, हम दोनों बस गाड़ी में जाएंगे। और रोड भी वहाँ पे ब्लॉक है, अब ये पता नहीं गाड़ी कहाँ तक जाएगी। पुनन में देवता है, अगर रोड खुला होगा तो हम आगे तक जाएंगे, अगर रोड बंद होगा तो हमें आधे रास्ते में रुकना पड़ेगा। तो बस हम निकल रहे हैं अब। तो आज सुबह का मौसम देखिए, कितना प्यारा मौसम है। ये प्यारा नहीं है, ये बहुत गंदा मौसम है। तो ऐसा लग रहा है कि वी आर लिविंग इन हेवन, क्योंकि बादल बिल्कुल छाए हुए हैं और एक किलोमीटर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने कौन है। तो जैसे ही हम यहाँ पुनन से पहले पहुँचे तो वहाँ पे पेड़ गिरे हुए हैं इतने बड़े बड़े, और रोड हो गया ब्लॉक। तो अब सोच रहे हैं पवन भाई और मैं कि क्या करें, गाड़ी निकलने लायक रोड बन जाएगा कि नहीं, क्या लगता है, हो जाएगा ये? नहीं यार, बहुत है यार। वो कहाँ गया फिर, वो कहाँ गया फिर? तो गाइस हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े से पत्थर, ये लकड़ हटाए और हैं, और ऐसे रहन दो, यही करो। तो हमने निकलने के लिए खुद ही थोड़ा सा साफ कर दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ से गाड़ी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। लकड़ हमने थोड़े थोड़े थे वो साइड कर दिए, तो मैं ले जाता हूँ गाड़ी, ज़रा निकलती है कि नहीं। तो गाड़ी तो आसानी से निकल गई है, रोड भी खुल गया हमारे लिए। अब आगे देखते हैं, आगे इससे ज़्यादा बहुत खतरा है, इससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, वो गिरना नहीं चाहिए। अगर वहाँ गिरा होगा तो हम फिर तो रुक ही जाएंगे, क्योंकि हम पत्थर आ रहे हैं, ऊपर से मिट्टी आ रही है, और देवता जी को भी उठा दिया है, तो हम लेट हो चुके हैं। बस हम निकल रहे हैं जल्द से जल्द। तो सामने भी रोड हो गया बंद, अब छोटे छोटे पत्थर है शायद, कौन वह गया अभी तो देखते हैं। ऊपर से देखो कितना आ गया है, मेरे तो डर ही लग रहा है आगे को, तो यहाँ से जाना। तो देवता जी को उठा दिया है और बस अब जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। बस हम आज्ञा ले रहे हैं देवता जी से जाने के लिए, और हमारे साथ सारे जो हमारी फैमिली मेंबर्स है सारे रेडी हो चुके हैं।
देवता जी अब निकल पड़े हैं, लौटी की ओर हम निकल पड़े हैं। तो ये हमारी टर्न होती है हमारा फैमिली का कि यहाँ से देवता जी को लौटी ले जाने का। तो बस हम निकल गए हैं, देवता जी भी चल पड़े हैं, तो हम जा रहे हैं देवता जी को लेके। और बारी बारी से हम देवता जी को उठा रहे हैं, क्योंकि जो छुली देवता पल्थान है वो पूरे हिमाचल में शायद सबसे भारी देवता है और सबसे पावरफुल देवता है माने जाते हैं छुली देवता के। वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैवी देवता है। तो हम बारी बारी से हम थोड़ा थोड़ा आधा आधा किलोमीटर उठा रहे हैं ताकि कोई थक ना जाए। ये हमारे साथ मनीष पांडे जी, तो अभी बहुत दूर जाना है लौटी। तो कितना टाइम लगना है? एक घंटा लगेगा गाइस, एक घंटे में देवता जी को उठाना, और मौसम भी खराब है। तो बस हम निकल रहे हैं, आप भी हमारे साथ वीडियो में बने रहे। कहाँ कहाँ हम जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे और कब पहुँचेंगे, तो वीडियो के एंड तक देखें। अभी यहाँ पे पवन भाई देवता जी को उठा रहे हैं, तो बारी बारी से सब लगे हुए हैं देवता जी को उठाने। तो सब देख सकते हैं, विक्की भाई, मनीष भाई नहीं है, ये फर्स्ट डाउन पे खेलने आए हैं, सॉरी ओपनर बल्लेबाज खेलने आया है पवन भाई और नाना जी। तो अब देखते हैं इसके बाद दादाजी, तो इसके बाद फर्स्ट डाउन पे कौन आएगा और सेकंड डाउन पे कौन खेलेगा। विक्की भाई कौन आएगा? मैं विक्की भाई को दम दिखाना पड़ेगा। अगर पहले ओपनर बल्लेबाज आउट हो गया तो फिर पारी संभालनी पड़ेगी फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन को। ये ओपनर बहुत तगड़े हैं, ओपनर ही बहुत तगड़े हैं। लौटी तक ही ले जाएंगे, ये नॉट आउट वापिस आएंगे। तो फ्रेंड अभी हमने आधा रास्ता ही पूरा किया है, अभी और है लगभग 3 किलोमीटर और है। तो बहुत थके हैं, पसीने निकल गए हैं इतनी ठंड में, बहुत भारी देवता है। तो बारी बारी से हम सब लगे हुए हैं और रास्ते भी बहुत गिरे हुए हैं, तो संभल संभल के जाना पड़ रहा है। तो अब चेंज हो चुके हैं, ओपनर बल्लेबाज ऑन आउट हो गया है, नहीं ओपनर आउट हो गया है। रोड़ी जाना है मनीष पांडे जी, कहां तक देखे, कहां तक ले जाएगा? लौटी तक, गदेश तक। तो फ्रेंड अभी हम लौटी मंदिर में पहुंच चुके हैं, तो बहुत मुश्किल से पहुंचे यहाँ पे, रास्ता बहुत ही खराब था। ये पीछे देख सकते हैं, ये लौटी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर मंदिर है। हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारी ड्यूटी थी, यहाँ तक चल देता लेती को लाने की। कहाँ ले जाना, कहाँ पे? कहीं नीचे की ओर देवता जी को ले जा रहे हैं, देखते कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं देवता?
कहाँ ले जा रहे? अच्छा, तो अब दीप्ता जी को पहले वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ पुरानी जगह थी, वहाँ दीप्ता जी को बहुत पहले बिठाया जाता था, तो वहाँ पहले दीप्ता जी को ले जा रहे हैं। तो ये वो जगह है, पुरानी जगह जहाँ दीप्ता जी पहले बैठा करते थे मंदिर बनने से पहले। जब मंदिर बना नहीं था तो दीप्ता जी यहाँ बैठा करते थे, तो बस अब पहले मंदिर जाने से पहले वो यहाँ पे बैठेंगे। बस अब देवता जी को यहाँ बिठाया जाए। तो देवता जी बैठ चुके हैं, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। थारा नहीं मैं वैष्णो है, पिछले साल भी बैठे हम मुक्ते वैसे दो लाख पानी का तुम भी दे होगी। अरे बिल्कुल जानो बैठा है ऐसा नहीं लग रहा ना, और पिछले साल तुमने गलती की ना, फिर जाते रोट खाए रहे हो तुम सीधे चले, और अब इतना को बाप मार चला नहीं लगना। हम बोल रहे हैं तेज कर लो दुकड़े आना, ये तो बड़ी आवाज हो रही है ऑनलाइन हो रही है। सैलेंसी ने गौर तो मार लान लाड़े ना उन्हें नहीं सड़क में जा रहे पैदल। जब मेरी शादी हुई ना यहाँ से गया पालकी में दुड़े उठी पहुँचा चुंगे नहीं हो अब उधर नाट दी उन्हें पैंत उठा के ले जाते थे। क्या बात कर दी यूं से मारे ना दिन का ही नहीं हम और सब से पकड़े भाई पकड़े ईद पी गो बाते पानी हां ये चाय पिला दे यार हम जब आगे चल ले पीछे घूम गए आगे चले गए। मैं भी नहीं पीता, ये भी नहीं पीता, क्या ये भाई जी भी नहीं पीता, दो तीन ये चाय पीने वाले। हम कुछ भी जूते खोलो ना टोंगा दे बेशो मी यहां घर टोंगा तो चले चेयर लगा ले हम सी नुखी ठीक है ड्यूटी वाले बंदे ने कुछ बना दो चाय बना दो ओ बना दो चलो यहीं हां ठीक है हेलो चाय तो पी लेते यार मेरा आज गला खराब है तब बोरा आवाज में। अच्छा या मरानी ये विष्णु पार करो चलो और बैठ थोड़ा जी पानी नहीं था मान ले आवे थके यार आप लोग ज्यादा पीने से पिया फ्रेंड। अब हम दीप्ता को छोड़ के लौटी में वापस घर की ओर जा रहे हैं। तो जैसे पुनन के रास्ते में अपने घर की ओर जा रहे थे तो देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, और यहाँ पे तरपाल लगा रहे हैं बगीचे बचाने के लिए। ओहो गाइस पूरा खेत यहाँ पे गिर चुका है। इस बार जो तबाही हुई है हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बार तो सीज़न लगाना भी मुश्किल हो जाएगा, गाड़ियाँ निकालना मुश्किल हो जाएगा, किसान क्या करेगा ऐसी हालत में। खेत से पेटियाँ निकालना रोड तक वो मुश्किल हो जाएगा। इस बार जो सारा काम होगा इस बार शायद लेबर के ऊपर ही डिपेंड है, अगर लेबर नहीं आती है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दो आगे वो वाला गिरा है आगे वाला वो यार ये इनका होना नहीं यार ऊपर वाला ये भी गिरा ही होना आपका के खतरे में है आपका खतरे में ऊपर यार रोड पूरी तरह ब्लॉक। तो जैसे जैसे आगे को निकल रहे हम थोड़ी देर ऊपर आके फिर से एक और लैंडस्लाइड ये देखो
और रोड पूरी तरह ब्लॉक, और ऊपर खतरा भी बना हुआ है खेत को, और इसके ऊपर घर भी है। बहुत ज़्यादा नुकसान पुनान इलाके में। और कल की जो एक न्यूज़ आई थी, कल यहाँ पे पुनान में भी एक पूरा घर गिर गया, तो बहुत दुखद खबर ये भी। बहुत ज़्यादा नुकसान है इस बार पुनान में, पूरे इलाके में। ये अभी भी ऊपर से आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अभी रोड कहाँ बनेंगे अब फ्रेंड, देख सकते हैं। ये यहाँ का हाल नहीं है, ये पूरे हिमाचल का हाल है। जहाँ भी हम देख रहे हैं सब जगह यही हाल है। तो इस बार तो किसान के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। हर दो दो मिनट बाद ये देख सकते हैं अब सामने इतनी बड़ी कायल गिरी हुई है। तो कौन निकालेगा इनको, मशीन को फुर्सत नहीं है मेन रोड को संभालने की। ये कल रात का हुआ शायद ना, कल रात को हुआ ये। अब गवर्नमेंट भी क्या करेगी, इतना बजट कहाँ से लाएगी इस बार। भारी से भारी नुकसान। ये देखो यहाँ पे और सारी जड़ें तो निकल गई है। ये देखो फ्रेंड, पानी नहीं है बोला, पानी आज शाम को आएगा। पानी जब आएगा मेरे को बताना जरा, मैंने भी स्प्रे ही करनी है, पानी ही नहीं स्प्रे करने का। ले भाई कल टेढ़ी तो ही है, ये तो टेढ़ी हुई है, ये ऐसी है। ये यार ऊपर से आया ये पेड़, ओए यार ये देखो भाई, ये जो पेड़ दिख रही है रोड के बीच में, ये ऊपर खेत से आ रखा और यहाँ पे सीधा खड़ा हुआ है। और इन्हें जड़े देखना ठीक होनी है, सेब निकालेंगे इसे। वही तो, और सेब तो कैसा लगा बिल्कुल कोने में, बढ़िया है। रोड के बीच में तो कोई नुकसान नहीं किया, तो उनको खतरा हो गया ऊपर फिर है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जब तक अपना पैसा नहीं लगाएंगे ना तब तक नहीं खुलता ये। एक तरह आप सरकारी बजट नहीं आएगा, भूल जाएगा और नीचे को नहीं इसमें दंगी रे। अच्छा अच्छा, लग जाएगी ना नीचे को नहीं दंगी रे ना, जो ऊपर से आता है इसमें तो, इसमें तो चलो हो जाता है ना, मिट्टी है ना ये, सब फिर इसको अपना लगाना पड़ेगा। पर इसमें पंचायत वाले को अपना पैसा,